कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग और क्या इससे भी पहले हमारी सभ्यताएं मौजूद थी और क्या वह इतने ही एडवांस सभ्यताएं मौजूद थी। ये भी कि क्या उनसे छोटे से छोटा कार्य और बड़ी से बड़ी उपलब्धि करने में सक्षम थे और इनकी इतनी सटीक जानकारी इनको कैसे मिली। इन्हीं में से कुछ रहस्य आज भी बरकरार हैं और ये उनमें से एक है। ये बात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के दृष्टिकोण से ग्रहों की गति को देखते हैं। भारत एक समर्थ संस्कृत विरासत वाला देश है। यूरोपियन लोगों द्वारा खगोल वैज्ञानिक और ग्रहों की स्थिति के बारे में जानने से पहले ये कहा जाता है कि हिंदू सभ्यताएं के पास श्रेष्ठों की जानकारी का खजाना था। उस समय ज्योतिष और खगोल विज्ञान को एक ही विद्या के रूप में देखा जाता था। सूर्य सिद्धांत 14,000 साल पहले मायासुर द्वारा लिखा गया था। बहुत से लोग भारतीय इतिहास रामायण में श्री राम की पत्नी सीता को बंदी बनाने वाले रावण कार्य को जानते हैं। हालांकि कुछ लोगों को ये नहीं मालूम कि उनके ससुर राजा माया की अवश्यनीय उपलब्धियाँ हैं। उनके द्वारा लिखित संस्कृत शास्त्र को सूर्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है और ये दुनिया में मौजूद खगोल विज्ञान की सबसे पुरानी पुस्तक है। और ये बता दें कि ये आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सटीक है। सूर्य सिद्धांत के अनुसार ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के दृष्टिकोण से ग्रहों की गति का एक दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। आपको ये शीर्ष दृश्य सही श्री यंत्र डिजाइन दिखाया गया है। आप ध्यान से देखिए, सूर्य बुध पृथ्वी और बृहस्पति बन रहे हैं और यकीन नहीं होता है कि हमारे पूर्वजों ज्योतिष और खगोल विज्ञान में कितनी महारत थी। और इस बात का सबूत है कि हमारे पुराने से पुराने मंदिरों में ग्रहों की स्थिति के बारे में दर्शाया गया है और ये भी कि विभिन्न ग्रहों की स्थिति की गतियों के द्वारा निर्मित इस प्रकार के विभिन्न पैटर्न हमारे प्राचीन हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। और उस समय के वैदिक ऋषि मुनि आदि सपने देखने वाले में से नहीं थे। उन्होंने अपने महान दिमाग में सर्कल, त्रिकोण, स्क्वायर और 3D फ्रैक्टल उनके ही दिमाग की एक रचना थी और ये उन्होंने करके भी दिखाया। कहते हैं कि आधुनिक गणित कभी भी वैदिक गणित के पास नहीं आ सकता, जो कि आज के कंप्यूटर से भी तेज गणना करते हैं। उस समय का गणित और आज के समय का एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये सब कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।